राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज करेंगे धम्मचक्र दिवस समारोह का उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की साझेदारी में आषाढ़ पूर्णिमा पर मना रहा है धम्मचक्र दिवस। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से धम्मचक्र दिवस समारोह का होगा उद्घाटन। संस्कृति मंत्री और अल्पसंख्यक राज्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे शिरकत। बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना काल में अब तक किए गए सेवा कार्यों की पीएम को देंगे जानकारी। आज शाम 4 बजे से आयोजित होगा प्रेजेंटेशन कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी भी रहेंगे मौजूद। नमो ऐप पर भी कार्यक्रम का होगा प्रसारण। नेपाल के प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर आज होगा फैसला। नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति की आज होगी अहम बैठक। भारत विरोधी टिप्पणी को लेकर पीएम पद से ओली के इस्तीफे की बढ़ती मांग के मद्देनजर हो रही है बैठक। बैठक के बाद इस्तीफे का ऐलान भी कर सकते हैं ओली। भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के टाइम टेबल में किए बदलाव। आज से लागू होगा नया टाइम टेबल। रेलवे ने 8 राजधानी स्पेशल ट्रेनों का टाइम टेबल किया जारी। लॉकडाउन के चलते भारतीय रेलवे 230 विशेष ट्रेनों का कर रहा है संचालन। आज से आम लोगों के लिए खुलेगी दिल्ली की जामा मस्जिद। मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का ऐलान। दोपहर 12:30 बजे आम लोगों के लिए खोली जाएगी मस्जिद। इस दौरान लोगों को गाइडलाइंस का करना होगा पालन। दिल्ली विश्वविद्यालय में आज से ओपन बुक के लिए मॉक टेस्ट होंगे आयोजित। दिन में 3 चरण में होंगे मॉक टेस्ट। सुबह 7:30 से होंगे शुरू और शाम 6:30 बजे तक होंगे समाप्त। DU आज से 8 जुलाई के बीच आयोजित करेगा मॉक टेस्ट। मध्य प्रदेश की 10वीं कक्षा के परिणाम आज होंगे घोषित। दोपहर 12 बजे घोषित किए जाएंगे रिजल्ट। MPBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर छात्र देख सकेंगे अपना रिजल्ट। जुलाई के 3रे सप्ताह में घोषित किए जाएंगे कक्षा 12वीं के परिणाम। दुनिया की पहली ऑनलाइन निशानेबाजी लीग आज से होगी शुरू। ऑस्ट्रेलिया आईरॉक्स और इटालियन स्टाइल के बीच खेला जाएगा शुरुआती मुकाबला। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम दूसरे दिन अपने अभियान का करेगी आगाज। इटालियन स्टाइल से होगा पहला मुकाबला। आज से ब्रिटेन में खत्म होगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान। आम लोगों के लिए फिर से खुलेंगे सिनेमा, म्यूजियम, बार, पब और रेस्टोरेंट। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी सार्वजनिक स्थानों को किया गया था बंद। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में आज से बदल सकता है मौसम का मिजाज। मौसम विभाग का अनुमान, आज दिल्ली समेत उत्तर भारत के इलाकों में बारिश होने की संभावना। लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत।